ब्रो भाई ब्रदर सी भाई शान स्वागत है तुम्हारा पूकन वॉलेट के एक और नए एपिसोड पे। जहाँ पे पिछली बार अगर तुमको याद हो तो हमने टीम स्टार को सेट कर दिया था, उनका सारा चीज सही हो गया। अभी एक स्टार ट्रेनिंग नाम का इंस्टीट्यूट खुलेगा और वहाँ पे वो लोग काम करेंगे बेसिकली। अगर तुमको ज्यादा कुछ जानना है तो पिछला एपिसोड जाके चेकआउट करना। आज हम लोग जाने वाले हैं पोकेमॉन लीग की तरफ, हमको अपना वही इलाइट फोर को हराना है, देन चैंपियन को हराना है। बट उससे पहले हमको एक रेयर कैंडी यूज करके अपना इस पोकेमॉन का लेवल अप करना है। एक्चुअली मेरे को रेयर कैंडी यूज नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सारे एक्सपीरियंस कैंडी दे देता हूँ, फिर मैं उसको रेयर कैंडी दूंगा। इससे फायदा ये होगा कि लाइक लेवल हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एक एक करके देते भैया, कोई भी एक्सपीरियंस हमको बर्बाद नहीं करना। एंड देयर वी हैव इट, 56 लेवल पहुंच गया। नाइस, अभी इवॉल्व होगा। वैसे तो पहले भी इवॉल्व हो रहा था बट मैं तुम्हारे सामने देखना चाहता था इवोल्यूशन, फिलहाल के लिए देखते हैं। और वैसे एक सूडो लेजेंडरी है अगर तुमको नहीं पता तो, दिस वन ड्रैगन एंड आइस टाइप बैक्सकैलिवर। स्वागत है तुम्हारे टीम में भैया। गैलाइवर इसका ड्रैगन टाइप मूव है, पहले मेरे को चेक करने दो। हाँ ड्रैगन टाइप मूव है, 5 टन। ओ 120 का डैमेज है इसका। द यूजर थ्रोज हिज एंटायर बॉडी इन द रेकलेस चार्ज अटैक फ्रॉम द अपोजिंग पोकेमॉन ड्यूरिंग द नेक्स्ट टर्न, कांट मिस एंड विल इन्फ्लिक्ट डबल डैमेज। व्हाट, मतलब ये बंदा कर क्या रहा है ना, ये अपना पूरा का पूरा बॉडी फेंक रहा है, उसको पूरा डैमेज दे रहा है, उसके बाद ये सो जा रहा है। मतलब थोड़ी देर के लिए पैरालाइज टाइप का हो जा रहा है, तो उस पर मूव तो लगेगा ही, उसका डबल डैमेज उसको पड़ेगा। ओह माय गॉड, दिस इज अ रिस्क, बट आई थिंक सही है यार, इतना रिस्क लेना सही है। ड्रैगन क्लॉ को हटा के इसको सिखाते हैं, बट हाँ उतना ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए था हमको, बट ठीक है चलो। दोनों अपने रियर कैंडी इसको देते हैं अभी के लिए, क्योंकि सबसे कम इसी का लेवल था टीम में, मेरे को लगा कि नहीं पुर पाएगा, बट ठीक है। आई गेस वी आर ऑल डन नाउ। मैं एक बार सबका तुम्हारा मूव सेटअप दिखा देता हूँ जो कि मैंने रखा है। साकुरा का सेम मूव सेटअप है क्योंकि मेरे को लगा बिल्कुल सही है। इसको मैंने ऑरास फेयरिक सिखाया है अपने ग्रास नॉट को हटा के, क्योंकि ऑलरेडी ये ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि इसका ऐसा अटैक थोड़ा कम है, बट फिर भी मेरे को कोई मूव नहीं मिल रहा था। एक मैं यू टर्न सिखा सकता था, बट आई गेस मेरे पास जितने मूव है उसमें सब कुछ मेकअप हो जाता है, तो मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद इसका एक बीटर ब्लेड नाम का काफ़ी मस्त मूव खुला है सार्ड लेज का, और वो भी फायर टाइप। सोच रहे हो अभी मस्त होने वाला है, स्वॉर्ड डांस का कॉम्बिनेशन के साथ काफ़ी मस्त बैठेगा। ऊपर से मैंने इसको ड्रैगन क्लॉ सिखा दिया है क्योंकि ड्रैगन टाइप मूव ज़्यादातर पे इफेक्टिव होते हैं। अदरवाइज शैडो क्लॉ भी सही था, बट ड्रैगन क्लॉ का ना 80 डैमेज है और शैडो क्लॉ का 70 डैमेज है। ऊपर से साइको कट एंड शैडो क्लॉ ना एक ही टाइप का मूव था, दोनों में सेम चीज़ ही लिखा हुआ था कि उतना ही क्रिटिकल हिट रेशियो बढ़ेगा उसका, तो आई गेस सही है बिल्कुल। उसके बाद हमारा ये है गार्गनलेक, इसको मैंने अर्थक्वेक सिखाया है अपने एक मूव को हटा के जो कि था हैमर आर्म आई गेस, बट आई गेस दोनों ठीक ही मूव था, फिर भी मैंने इसको सिखाया क्योंकि मेरे हिसाब से अर्थक्वेक ज़्यादा सही रहेगा एक रॉक टाइप पोकेमॉन के लिए। मैं आयरन डिफेंस नहीं हटाने वाला क्योंकि तुम एक बार उसके डिफेंस स्टेट पर नजर डालो ना तो 173 है। अगर वो एक बार भी आयरन डिफेंस करता है तो उसका डिफेंस कितना टॉप नॉच लेवल पर चला जाएगा, इसलिए मैंने उसको नहीं हटाया। साथ ही साथ मैंने इसका एबिलिटी पर ध्यान नहीं दिया था, बट यहाँ पर तुम देख सकते हो द पोकेमॉन्स प्योर साल प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्टेटस कंडीशन। मतलब ये बंदा नहीं सो तो सकता है एक्चुअली, बट पैरालाइज आइस वगैरह फ्रीज वगैरह नहीं हो सकता ये इसके साल्ट वाली वो फीचर के कारण। और गोस्ट टाइप से जो इसको डैमेज पड़ेगा वो आधा हो जाएगा, सोच रहे हो तुम कितना ब्रोकन ये पोकेमॉन है। ऊपर से हमने किलो वाटरल को थोड़ा सा नहीं बहुत ही चेंज कर दिया है, हमने इसको डिस्चार्ज सिखा दिया है जिसका 80 डैमेज है। वैसे मैं अभी जा रहा था इलेक्ट्रोबॉल की तरफ क्योंकि इसका स्पीड 178 है लिटरली, तो जो पोकेमॉन स्लो है ना उस पर इलेक्ट्रोबॉल काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है, लाइक अराउंड 120 भी कभी कभी पहुंच जाता है ब्रो। बट फास्टर पोकेमॉन के लिए दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने डिस्चार्ज सिखाया। और इसको सिखाने का कारण यह है कि इसका पावर 80 है और जो टेरा ब्लास्ट है उसका मैक्सिमम कैप भी 80 है, तो ऑफकोर्स टेरा ब्लास्ट भी कवर हो जाएगा। इसका क्रिस्टलाइजेशन टाइपिंग वैसे ग्राउंड है अगर तुमको नहीं पता तो, फिर भी ये रॉक के सामने भी टिक जाएगा हमारा। फिर मैंने इसको रोज सिखा दिया है थंडर वेव को हटा के क्योंकि ऑलरेडी डिस्चार्ज हमने सिखाया है और कभी कभी डिस्चार्ज के कारण भी पोकेमॉन पैरालाइज हो जाता है। और अगर हम उसको रूस्ट के साथ कंबाइन करें ना तो तुमको 3 से 4 बार हिट मिल सकती है, तो फिलहाल के लिए तुम वो भी कर सकते हो। बट आज सबसे पहले हमको जाना है मैसेगोजिया में। लाइक पिछली बार जब मैं अपने घर से बाहर निकला, अपने रूम से बाहर निकला, तो हमको मिला था पेनी। उसने एक्चुअली बस हमको फोन पे कॉल किया था और हमको बोला था कि स्टीयर्स के बगल में तुम आना, तो हमको उससे पहले मिलने जाना है कि क्या दिक्कत हो रही है उसको, कुछ फैसला लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको सलाह मशवरा देना है। एंड देयर वी आर, आई गेस यही वाला स्टीयर्स है जहाँ पे पेनी हमारा इंतजार करेगा, या फिर नीचे वाला है शायद से, यहाँ से तो मेरे को दिख भी नहीं रहा वो, ये रहा भैया। चलो अरे पेनी भाई बात कर ले मेरे से, वो आगे से इंतजार कर रहा है, पीछे से आसपास थप्पा करूंगा मैं। एक्चुअली मैं इधर से ही रहा था। चलो हस्ताला विस्तारा द सिक्स ऑफ अस तो दैट, अरे बारिश भी स्टार्ट हो गई। हम जो 6 लोग थे हम लोग कैच फेज में फंस गए थे। कैच फेज मतलब बेसिकली होता है
जिस टाइम पे तुम फेमस होते हो, तुम समझ रहे हो ना, कैच मतलब आँखों को कैच कर लेने वाला, जब हमने टीम को क्रिएट किया था, इट्स सो क्रिंजी, इट्स परफेक्ट यू नो। एनीवेज, उस लोन पॉइंट थिंग के बारे में, आई वॉज गोइंग डाउन बिग टाइम फॉर हैकिंग द पोकेमॉन लीग पॉइंट सिस्टम, बट दे आर लेटिंग मी ऑफ ईजी। ओह, इसको छोड़ रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। द पोकेमॉन लीग सेट, दे विल वेव माई डेबिट इफ आई डू सम वॉलंटियरिंग इंजीनियरिंग फॉर्म। अच्छा, मतलब जितने इसने पैसे वगैरह लिए हैं वो इसको वापस करने पड़ेंगे। अरे तू मेरा पैसा ले ले, मेरे को नहीं चाहिए भाई पैसा। दे इवन आस्क मी टू कम वर्क फॉर देम आफ्टर आई ग्रेजुएट, इफ यू कैन बिलीव दैट। डायरेक्टर क्लेवर एंड द गीता लेडी कीप कम्प्लीमेंटिंग मी लाइक अ वियर्ड अमाउंट। Apparently, I have outstanding talent or something. Sorry for calling you out here to meet like this. I'm still not good, not great with people's face to face. I never seems to find the right word, but तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है, मैं बस तुमको शब्दों से धन्यवाद नहीं कर सकता जितना तुमने किया है उसके लिए। So here, Draco Meteor. Oh. ओके, अगर मेरा म्याउस्केड इसको सीख सकता है, म्याउस्क्रेडा, फिर मैं गलत नाम बोलूँगा उसका। मैं श्योर हूँ यू विल पुट दिस टू गुड यूज। एंड वन मोर थिंग, आई वॉन्ट टू रीपे द डिबेट आई ओ यू। इफ यू एवर थिंक ऑफ वे आई कैन डू दैट, जस्ट लेट मी नो। आई एम ग्रेट विथ मशीन्स हैकिंग। अच्छा, मतलब ये सारे स्टफ में अच्छा है, तो कभी हमको मदद चाहिए होगी इसमें तो हम इससे मदद मांग सकते। ब्रो, लीग कंप्लीट करने दो, फिर आएंगे हम तुम्हारे पास। बी सीइंग यू देन। हस्तरा विस्तला। ओके, चलो कभी ऐसा कुछ काम करवाना हुआ तो ठीक है भैया। और हमारा जो स्टारफॉल स्ट्रीट का क्वेस्ट था वो कंप्लीट हो गया। मेरे को लास्ट टाइम करना चाहिए था, अब ठीक है। मेरे को क्या पता था ये लास्ट एंडिंग ऐसी होगी इसकी। बट द थिंग इज दैट वी गॉट अ न्यू टीएम। एक बार मैं देखूं, अगर मेरा म्याउस क्रेडा उसको सीख सकता है तो ऑलरेडी मैं उसको सिखा दूंगा। अरे मैं बॉक्स में क्यों जा रहा हूँ। ओके, वो सीख सकता है भाई, उसका एस अटैक, उसका अटैक आई गेस ज़्यादा है, अटैक ही ज़्यादा है ना। या ब्रो 185, तो वो क्यों सीखेगा उसको। ओके चलो, वो हमारे कोई काम का तो नहीं था, बट अभी हमको जाना है पोकेमॉन लीग में। और अगर मैं तुमको दिखाऊं तो वो जगह ये रही हमारी। वैसे तो वहाँ पे हम पहले भी जा सकते थे चेक करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा पोकेमॉन सेंटर है, तो ऑलरेडी तुम सोच रहे हो बढ़िया बढ़िया आइटम्स पहले ही मिल जाते हैं। अरे हाँ यार, कभी मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। बट एक्चुअली वहाँ जाना नहीं, वहाँ पे कोई नॉर्मल जाने का भी रास्ता होगा यार, ये पथरीला रास्ता तो नहीं होगा सिर्फ। ओह, कूद फान के हम इधर आ गए इसका नॉर्मल सा गेट पे। मैंने बोला ना ऐसा ही रास्ता होगा इसका। यहाँ पे कुछ वाइल्ड पोकेमॉन्स हैं और कुछ ट्रेनर्स भी। वेल, ये सारे ट्रेनर्स लड़ते नहीं है तुमसे, वो देखो ना छोटा छोटा पोकेमॉन। एक्चुअली मैंने कहीं देखा था उनका एवोल्यूशन कहीं पे, तो उसको जब तुम इवॉल्व करोगे ना तो उनकी फैमिली बड़ी हो जाएगी। आई मीन अभी ये दो हैं, जब इसको इवॉल्व करोगे तो चार बन जाएंगे लिटरली। ऐसे ऐसे क्रिंजी वाले एवोल्यूशन डाल रखे पोकेमॉन ने, मतलब ये कौन सा एवोल्यूशन होता है भाई। मतलब भाई वो फैमिली मेंबर पैदा कर रहे हैं एवोल्यूशन के नाम पे। चलो ठीक है, और वहाँ पे तुमको गीता दिख सकती है जो कि एक इंडियन चैंपियन है, लिटरली मैंने इस गेम में इंडियन चैंपियन है। ओके चलो, टाइम आ चुका है मेरे अंदर जाने का, बट ये मोहतरमा कुछ बकवास तो करेगी ही पहले, बिना बकवास किए तो जाने नहीं देगी हमको। मैं एक्साइटेड हूँ यार बैटल करने के लिए। हेलो आइला। हेलो। सो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम जा रही हो पोकेमॉन लीग को फेस करने के लिए, देन तुम्हारा फाइनल टेस्ट होगा एक चैंपियन बनने का, और वो इस बिल्डिंग के अंदर है। मैं विश करती हूँ तुमको बेस्ट ऑफ लक मेरे दिल के तहे से आइला। हम एक दूसरे से बहुत ही जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत छोटा सा बातचीत किया इसने, मेरे को लगा कुछ और बताएगी। हेलो अंकल जी, बताओ। आर यू रेडी टू फेस द पोकेमॉन लीग चैंपियन असाइनमेंट? यप, लेट्स सी हियर आइला फ्रॉम यू एकेडमी। इट अपीयर्स कि तुमने 8 के 8 बैच कलेक्ट किए हैं। वेरी वेल, अभी तुम आगे जा सकती हो। इंटरव्यू रूम में ये तो वो है ब्रो, ये रीका ही है ना। रीका है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, प्लीज़ बैठो। ओके, ऐसे बैठूँ मैं? चलो, मैं हूँ रीका, तुम्हारे इंटरव्यूअर। चलो हम अपना पहला पोर्शन स्टार्ट करते हैं चैंपियन असाइनमेंट का। हम लोग एक इंटरव्यू से चालू करेंगे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट मी सी कि तुमने कितने बैचेस कलेक्ट किए हैं। एक्सेलेंट, तुम्हारे पास 8 बैचेज हैं। नेक्स्ट, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, अगर तुमको कोई माइंड नहीं होगा प्लीज़
इसके बारे में काफ़ी केयरफुली सोचना, अदरवाइज तुम ऑटोमेटिकली फेल हो जाओगे इंटरव्यू के लिए। लेट्स बिगिन, हाउ डिड यू गेट हियर टुडे? आई वॉक, आई रोड माई पोकेमन, आई केम बाई फ्लाइंग टैक्सी। नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द स्कूल यू आर एनरोलिंग इन। वो नारंजा अकेडमी तो नहीं है, युवा अकेडमी है। इतना तो पता ही होगा ब्रो। ऑल राइट देन, सो तुमको पोकेमन लीग तक क्या लाया? आई गेस आई केम टू बिकेम अ चैंपियन। मेरे ख्याल से तो मैंने सबको वही बोला है, तो ठीक है। नाउ व्हाट डू यू इंटेंड टू डू इफ यू एंड व्हेन यू बिकेम अ चैंपियन? आई वांट टू बिकेम स्ट्रॉन्गर, आई वांट टू बैटल निमोनिया। आई थिंक आई एम गोना बिकेम स्ट्रॉन्गर। आई सी, इंटरेस्टिंग। टेल मी व्हिच ऑफ द, हाँ, इनमें से कौन सा जिम मोस्ट डिफिकल्ट था? डिफिकल्ट था भाई, सभी आसान ही थे, बट आई गेस ये लोग यहाँ पे अरेंज्ड फॉर्मेट में इसको रखे हुए हैं। अभी के लिए तो मेरे को कुछ भी याद नहीं है कि भाई कौन किस टाइप का जिम लीडर था। लाइक ये कौन सा था, ग्रास वाला था, पता नहीं भाई। लिवेंसिया मेरे ख्याल से वो थी, आयोना वाला जिम, और ये मेडालाई वाला जिम जो था वो भी मस्त था आई गेस, क्योंकि उसका ट्रेजर हंट क्वेस्ट काफ़ी अच्छा था। बट यहाँ पे इसने पूछा है मोस्ट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट में क्या बोले यार, लिवेंसिया का जिम आई गेस वो इलेक्ट्रिक वाली जो थी उसमें ज़्यादा मज़ा आया था क्योंकि उसमें व्यूज ज़्यादा आए थे। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द जिम लीडर यू फेस्ड? अरे ये भी पूछते हैं, आयोना था, ऑफकोर्स आयोना था मैन, ऑफकोर्स आयोना था। मैं ग्लैड हूँ कि तुमको ये याद है। ओके चलो, मेरे को क्या पता भाई, ये नाम वगैरह भी पूछते ब्रो, इतना कैसे किसको याद रहेगा। क्या टाइपिंग थी उसकी? आई गेस इलेक्ट्रिक थी, इलेक्ट्रिक ही थी ना, हाँ इलेक्ट्रिक ही थी ब्रो। भाई ये केबीसी चल रहा है, व्हाट द हेल। वंडरफुल, व्हाट वाज द कैटेगरी ऑफ पोकेमन यू चूज टू बी योर फर्स्ट पार्टनर? That was a grass gat Pokemon, I guess. Yeah, very good, very good. Now, please forgive me, but I am going to repeat a previous question. Remind me कि तुम यहाँ पे champion क्यों बनना चाहती थी? I want to become even stronger. Okay, भाई ये पूरा घुमावदार सवाल पूछ रहे हैं, इंटरव्यू इसका आसान नहीं है। आई मीन लिटरली अगर मैं कोई भी ऐसी जिम चुन लेता ना, फिर मैं फंस जाता कि क्या टाइपिंग है उसकी, उसका लीडर क्या था। अच्छा बात है कि मैंने गलती से वो चुन लिया जो मेरे को याद था, अदरवाइज मैं मेडलिया जिम चुनता तो मेरे को ये भी याद नहीं है कि उसका लाइक ट्रेनर का नाम क्या था। यस दैट्स राइट। ओके नेक्स्ट इज द फाइनल क्वेश्चन फॉर दिस इंटरव्यू। ओके फाइनल क्वेश्चन, क्या तुमको पोकेमन पसंद है? नो, यस यस ऑफ कोर्स। ये पूछने वाली बात है, बिल्कुल पसंद है, नहीं तो हम ये खेलते क्यों? माय गॉड, ओके अब इसमें क्या सस्पेंस भाई, नो थोड़ी ना बोलना था हमको। देखो भाई, गुड जॉब किडो, ये ओवर एक्टिंग हो गई, ये नहीं, ये ओवर एक्टिंग हो गई। दैट अबाउट रैप अप द इंटरव्यू, एंड सबसे पहले मुझे तुमको कांग्रेचुलेशंस बोलने दो, क्योंकि तुम आई लव, तुम पास हो चुके हो अपना फर्स्ट पार्ट चैंपियन असाइनमेंट का। ओह नाइस, और वो भी अपने पहले ट्राई में, उससे कम भी नहीं। डोंट थिंक एनीवन डन दैट सिंस निमोना। निमोना ने ये कर दिखाया, मतलब निमोना वैसे पहली पर्सन थी जो कि पहली बार में ही इसने कंप्लीट कर दिया इसको। बट एनीवेज, टाइम टू स्विच गियर्स एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट। हमारा दूसरा सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं इलाइट टेस्ट। ओके, एंड तुम फेस करने वाली हो इलाइट फोर को पोकेमन बैटल में। पोकेमन बैटल में, आई गेस दैट्स प्रीटी ऑब्वियस फ्रॉम द नेम ऑफ द टेस्ट। हां, यू विल बी फेसिंग अस फोर इन अवर रो। यू विल बी फेसिंग अस फोर, मतलब ये भी है उसमें से एक, अगर तुमको नहीं पता तो। दिस वॉन्ट बी अ कीयर वॉक, मतलब ये उतना भी आसान नहीं है, आई प्रॉमिस यू डैट। मेक श्योर यू आर रेडी, देन गो इन टू द रूम बिहाइंड मी। ओके, सही बात है, इसके बाद ये वाला रूम में जाना है मेरे को, देखना है कि पहला इलाइट फोर कौन होने वाला है। क्या वो हमारा पीले वाला आदमी होगा, क्योंकि उसका नाम मैं भूल चुका हूँ, या फिर वो छोटी वाली बच्ची होगी। मेरे ख्याल से छोटी वाली बच्ची थर्ड वगैरह में होने वाली है, क्योंकि पिछले वाले पोकेमन गेम्स तो को देख के मेरे को लग रहा है कि अगेथा वाला अगर सिस्टम चला ना, वो भी थोड़ी छोटी ही थी और लेडी भी थी, तो हो सकता है थर्ड में हो। इट्स जस्ट अ गेस, बट आई गेस ये जो इलाइट फोर है, ये आइस टाइप वाला इलाइट फोर है शायद से।
आई गेस मतलब देख के तो ऐसा ही लग रहा है इस चैंप को, वो पहले यही है, तू ही बैटल करेगी। ओके चलो ठीक है फिर, हमको कोई दिक्कत नहीं है इससे, बट टाइपिंग बता देता अपना बस। होपफुली मैं पार्टी को एक बार सेटअप कर सकूँ क्योंकि मेरा पहले ड्रैगन है ना इस टाइप के बन। नाउ देन चलो चालू करते हैं, लेट्स गो रीका, बी द फर्स्ट ऑफ द इलाइट टू टेक ऑन यू। आई डिड से कि मैं तुम पे इजी जाऊंगी बट मैंने वो झूठ बोला था, थिंक फर्स्ट। ओके हमको भी नहीं चाहिए वैसा इजी इलाइट पर। कौन सी टाइपिंग है इसकी, विश कैश, ग्राउंड एंड वाटर, इलेक्ट्रिक एंड वाटर नहीं, ग्राउंड एंड वाटर है गेस। ऑफकोर्स आइस टाइप मूव भी हो सकता है उसके पास। आई फाइनली गेट टू बैटल, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। इलाइट फोर्स को कितना दिन बाद बैटल करना पड़ता है मे बी। ओके मेरा स्लाइस टाइपिंग आई गेस ड्रैगन है, बट मैं अपना ड्रैगन टाइप मूव यूज़ नहीं करना चाहता। मैं आई सी एल क्रैश कर रहा हूँ, हालांकि इसका एक्यूरेसी काफ़ी कम है, 90 के करीब है। अवॉइडेड द अटैक, मेरे को लग रहा था ऐसा हो सकता है। अर्थ पावर नो वे। ओके ये ग्राउंड टाइप वाली है, दीवार के रंग से इसकी टाइपिंग पता नहीं चलती इलाइट फोर की। ओके नाइस, काफ़ी अच्छा डैमेज पड़ा उसको, वो हिल नहीं सकता। यही तो इस मूव की खासियत है, इसकी बस एक्यूरेसी डाउन है, बाकी पावर इसका 90 है, 90 या 100 कुछ भी है, दोनों में से कुछ एक ही है। इसीलिए मेरे को ये मूव काफ़ी अच्छा लगा, आइस फैंग से ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को यह। म्याउस क्रिट अपना काम कर देगी। ओके दैट वॉज द थिंग, बट ठीक है दैट वॉज क्रिटिकल हिट, फिर भी वो हारा नहीं। पॉइजन जार नो, ये एक प्रॉब्लम थी, क्रिटिकल हिट था ये। अब मैं और स्फेयर कर रहा हूँ अभी, वैसे तो ये उतना इफेक्टिव नहीं है, बट मैं पीपी बचाना चाहता हूँ क्योंकि बीच में हम हील नहीं करवा पाएंगे पोकेमॉन्स को इलाइट फोर के बैटल के दौरान। अरे मैंने सामान नहीं लिया, व्हाट द हेल, मैंने पोशन वगैरह काफ़ी कम लिए हैं। मैं लिटरली इतना जल्दी में था, मैं जल्दी जल्दी में निकल गया ब्रो। अरे यार गार्गेनलिक को ले आते हैं अभी के लिए, कैमरा अपटा रहा है क्योंकि द थिंग इज कि वो एक ग्राउंड एंड फायर टाइप पोकेमॉन है, उस पर ग्राउंड इफेक्टिव रहेगा। मेरे पास अर्थक्वेक है तो वो चीज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, कैमरा अपट। ओके इसका भाई बहुत खतरनाक ये भी पोकेमॉन है, इरप्शन वगैरह इसको भी आता है, वो ठीक है। लेट्स यार्न, नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्योर साल्ट, अच्छा हम सो नहीं सकते, हमारे प्योर साल्ट की एबिलिटी है। ओहो ये तो मस्त था। नॉइस ब्रा, एक मूव सहना पड़ेगा हमको उसका, अर्थ पावर सह लेना भाई, रॉक टाइप पोकेमॉन है, बट ठीक है क्योंकि हमारे डिफेंस ज़्यादा था इसके कारण हम बस सह लिए इसको। लो भाई अर्थ पावर, अर्थक्वेक, चलो नॉइस, बहुत ही अच्छे। मेरे को ठीक से खेलना पड़ेगा यार, मैंने हीलिंग आइटम्स नहीं लिए हैं। डक ट्रियो है नेक्स्ट पोकेमॉन उसका, आई गेस मैं म्याउस क्रेडा को लाना ही ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ऑलरेडी वो एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है ना। और भाई ट्रस्टलाइजेशन का क्या, मैं एक बार ही ट्रस्टलाइज कर सकता हूँ अपने पोकेमॉन को भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए यार, हीलिंग वाली चीज़ देनी चाहिए थी इनको, बट वो आसान बना देता है, वो भी है। ठीक है दैट वॉज अ क्रिटिकल हिट, ये तो हमेशा क्रिटिकल हिट लगता है फ्लावर ट्रिक, यही तो इसका फ़ायदा है। चलो ब्रो क्लॉट सिरे, और ये कौन सा है ना, इम्प्रेसिव बट समथिंग एल्स किडो। ओके इसका लास्ट पोकेमॉन, ओह इसको मैंने नहीं देखा था, ये क्या गोपर का लास्ट स्टेज है? ओह ओके, बट आई गेस ये पॉइजन एंड ग्राउंड टाइप पोकेमॉन था शायद से, मैंने एक पकड़ा था गोपर, मैंने इवॉल्व नहीं करवाया था। ओके ये क्रिस्टलाइज इसको कर रही है, दैट मीन्स ये टेरा टाइप इसका ग्राउंड होने वाला है। ओके ऑफकोर्स, मतलब इसके पास पॉइजन टाइप मूव होंगे, ठीक है ब्रो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोटेक्ट, नोप, ओके कोई बात नहीं, मेरा पीपी ना चला जाए यार मूव का फ्लावर ट्रिक। चलो कोई बात नहीं, लेट्स यूज इट अगेन मैन, पीपी का दिक्कत है यार, पीपी का दिक्कत, अकाली पड़ेगी मेरे को। एग्जाइलर्स भी मैंने नहीं खरीदे हैं, दैट वॉज अ क्रिटिकल हिट। टॉक्सिक, ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल, मेरे पास पॉइजन हील वगैरह काफ़ी है, मतलब ट्रैवल के दौरान ही काफ़ी सारे मिल जाते हैं, बट ठीक है। प्रोटेक्ट अगेन, अरे यही तो इसकी ट्रिक है, एक मूव में पहले टॉक्सिक करवाएगा, पॉइजन करवा के मेरे को डैमेज करवाएगा, फिर प्रोटेक्ट करेगा। स्ट्रैटेजी अच्छी लगाई है, बट ये स्ट्रैटेजी तो वो पहले लगानी चाहिए थे क्योंकि अब तो उसका कुछ काम नहीं है। लिस्ट और स्फीयर आई गेस, दूसरे मूव्स का पीपी भी बचेगा, मैं काफ़ी पीपी पीपी कर रहा हूँ भाई। नहीं देखना मेरे को, चलो ये लास्ट पोकेमॉन था इसका, इसको तो हमने तुरंत भी हरा दिया, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगा इसको हराने में, बट मैं सोच रहा हूँ कि चैंपियन तक ये चीज़ रहेगी। वैसे उसने बस इलाइट फोर बोला था, मेरे ख्याल से चैंपियन तक मैं हील हो जाना चाहिए मेरा पोकेमॉन सारे, बट ठीक है बहुत ही अच्छे। अरे 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 मोहतरमा का अंदाज तो देखो।
हाँ मैं समझता हूँ, जो अच्छे ट्रेनर्स होते हैं उनका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा, बट ठीक है कोई बात नहीं। टॉक अबाउट अनफेयर, नो वे आई वाज गोना विन दैट वन। मतलब एक तरफे रास्ते से हमने जीता है ना, हमारे ज़्यादातर पोकेमॉन अभी भी जिंदा है, एक भी रिवाइव करने की हमको ज़रूरत नहीं है, तो ये सही था। नेक्स्ट अप वहाँ पे वो है, अच्छा लगातार आती है, मैं हील नहीं कर पाऊँगा क्या? एक मिनट, डोंट टेल मी डैट, प्लीज डोंट टेल मी डैट। ओह वाओ, क्या तुम हार गई रीका? या मैं हार गई, लेकिन वो कमज़ोर नहीं है, लेट मी टेल यू, आई विल बी वॉचिंग द साइड। ओके, ऐसी चीज़ है ब्रो, मतलब तुम बैटल अच्छा नहीं, मैं हील कर सकता हूँ, अच्छा ऐसी बात है। चलो हमने गेम सेव कर लिया है और अपने फर्स्ट पोकेमॉन में हम रखेंगे आई एस किलो वाटल को, अच्छा स्टार्ट दिलवाएगा, ऑलरेडी इसका स्पीड ज़्यादा है ना, तो मैं उस पर विश्वास कर सकता हूँ कि इतना काम वो कर सकता है अच्छे से। ओ ओ ओ ओ ओके, दौड़ रही है इतनी तेज़ी में बच्चे, इसकी टाइपिंग मेरे को देखनी है, मेरे को ऐसा लग रहा है ये फेरी टाइप हो गई, बट फिर भी इट्स सो कूल कि तुम यहाँ पे आ सके, बट दिस इज वेयर यू से गुड बाय मिस, ऑल द पोकेमॉन आर टफ। अच्छा ये पोपी पोपी टीम कुछ बोला था ना, मेरे को वो याद आ रहा है, चलो गले में देखो ना बच्चे की तरह क्या बांध रखा है उसने। ओ ओ ओके, क्या टाइपिंग है इसकी मेरे को नहीं पता, ये पता है मेरे को हाथी वाला पोकेमॉन है बट फेरी टाइप का ही है, आई डोंट नो एक्चुअली। कॉपर राजा इसका नाम देखो ना, स्टील टाइप है क्या? हाँ कॉपर से तो मेरे को वही लग रहा है। अगर मैं साकुरा को ला रहा हूँ आई थिंक ये एक अच्छा आइडिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। द थिंग इज कि मैं उसको भी यूज़ कर सकता था बट मेरे को ट्रस्टलाइज करना पड़ता, मैं सोच रहा हूँ कि अभी ट्रस्टलाइज ना किया जाए। सी थ्रो करी नहीं, अब मैं उसको नहीं ला सकता किलो वाटल को, क्योंकि फ्लाइंग टाइप का आधा हेल्थ चला जाता अगर ये चीज़ रही तो, दैट्स अ प्रॉब्लम, नो वे। और क्लोज कॉम्बैट करने भी में एक नुकसान है, दैट वो सुपर इफेक्टिव मेरे को ही पता है, बट मेरा डिफेंस और एस डिफेंस पेंट हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है ब्रा, ये प्रॉब्लम है यार, मेरे को एटलीस्ट चेंज करना ही पड़ेगा बाद में, तो चलो कोई बात नहीं, ये गया है। कॉर्विनाइट एक फ्लाइंग है ना, सील टाइप पोकेमॉन ना, फ्लाइंग या डार्क है जो भी है, बट इतना तो पता है उसके पास फ्लाइंग टाइप मूव्स होंगे, तो इसको रखने का फ़ायदा नहीं है। मैं सार्लेज को ला रहा हूँ, हालांकि इसका एचपी थोड़ा चला जाएगा ऑलरेडी सी थ्रॉक के कारण। और यहाँ पे हमारा कॉर्विनाइट, ओह नो मेरा हेल्थ तो देखो यार, कॉर्विनाइट का प्रेशर है, डबल पीपी यूसेज होगा हमारा भी। मैं स्वॉर्ड डांस करने का वो चीज़ नहीं उठा सकता, बहुत रिस्क है यार स्वॉर्ड डांस में। दैट वाज सुपर इफेक्टिव, ये तो सही है। और हमको वो एनर्जी ट्रेड फ्रॉम द अपोनेंट, हे मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी इसका डिस्क्रिप्शन, किसी ने मेरे को कमेंट करके बोला कि ये इसका सिग्नेचर मूव है तो तुम इसको रख लो, रुको पे इसका भाई क्या था ब्रो, एक मिनट व्हाट वाज दैट, मैंने मूव का डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा, मैंने देखा उसका 90 डैमेज है इसलिए मैंने उसको सिखा दिया। ओहो ये सही था, ये सही था। ब्रॉन्ज और नेक्स्ट पोकेमॉन मेरे को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम एक गोस्ट टाइप पोकेमॉन भी है तो उसका साइकिक वाला मूव ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा हम पे, हमको ना यूज़ दिस वन, फिर से बीटर ब्लेड करते हैं, फिर से पता नहीं हमको एच पी में वाट ये क्या है ब्रो, 90 की डैमेज है उसका, ऑलरेडी 90 का डैमेज है, तुमको और क्या चाहिए फायर। अरे यार सी सुपर इफेक्टिव है, ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट सीरियसली मैन ऑलरेडी जब उसका 90 का डैमेज है तो इतना एडिशनल ये चीज़ देने की क्या ज़रूरत, मैं तो बस उसको डैमेज के लिए लाया था, मेरे को कब पता था ये इतना अच्छा मूव निकलेगा। बीटर ब्लेड, भाई 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 हेल्थ मेरा शायद से हाफ बढ़ता है आई गेस, जितना उसका एच पी होगा उसका आधा एच पी मेरे को मिल जाएगा, मतलब जितना मैं उसको डैमेज दूंगा उसका आधा एच पी। इसको सिखाने के लिए मेरे को बस उसके मूव सेटअप में जाना पड़ा था, क्योंकि ज़्यादातर मैं ऐसे घूमते घूमते पोकेमॉन को हरा रहा था ना। मैग्नीज़ोन नहीं, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यार, मेरे पास एक दो एग्जाइलर्स होंगे, मैं बाद में देखूंगा कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है, बट ठीक है बीटर ब्लेड अगेन, लेट्स गो, लेट्स हैव दिस पोकेमॉन से एच पी। ओ ओ ओ माय गुडनेस, लाइट स्क्रीन, अरे एस अटैक आई गेस, एस अटैक हो, हाँ स्पेशल अटैक होगा, कोई बात नहीं, ये तेरा ही नुकसान है, मेरा तो फिजिकल अटैक मैं कर रहा हूँ मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, बस वो पैरालाइज ना कर दे, यहाँ पे यही दिक्कत है। इसको हराने का बस एक ही तरीका है, पहले एक बार शॉर्ट डांस कर लेते हैं, पैरालाइज मत करना मेरे को, मार दूंगा मैं इसके पास क्या अर्थ वाला डिस्चार्ज, पैरालाइज हो सकते हैं हम फिर भी, मत होना
ओह नहीं हुआ, चलो नाइस। अब इसके सारे पोकेमन खत्म, देखते जाओ तुम बस, तुम बस देखते जाओ बीटर ब्लेड कैसे सबको हराता है। लेट्स चूज़ वन मोर, मेरे को करना नहीं चाहिए था अभी, मैंने बेकार कर दिया एक मूव। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा हेल्थ बढ़ जाएगा इसी के लालच में। पर ठीक है, कोई बात नहीं यार, 61 पे पहुंच गया है भैया जी। लेफ्ट ओवर से हमको थोड़ा एचपी मिल रहा है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मेरे को पता है कि उसका उसका लास्ट वोकमन वो तो स्लाइस करेगी इसको ना। ऑफ कोर्स टेन का टॉन, एक फेरी टाइप भी है ये आई गेस, बट क्योंकि इसका स्टील है तो टर्सलाइज करने के बाद वो स्टील बन जाएगा, फिर वो मूव मेरे पे सुपर इफेक्टिव होगा, मतलब उस पर सुपर इफेक्टिव होगा। उसका फेरी टाइप मेरे को उतना डैमेज नहीं कर पाएगा यार, ऑलरेडी मैं गोस्ट टाइप हूँ। चलो माय गुडनेस, काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि तू इस हैमर वाले पोकेमन को पकड़ ले। मेरे ख्याल से मेरी टीम में एक पोकेमन है जिसको इवॉल्व करवा के ये मैं बना सकता हूँ, बट ठीक है, वो मैंने किसी स्टील वाले टर्सलाइज पोकेमन को नहीं देखा। तुम उसके सर पे देखो ना कैसा लाइक आड़ी टाइप का बनाया हुआ है काटने के लिए, अरे भाई मस्त दिख रहा है यार उसका टेरा टाइप। ये एक बार मैं हार गई क्योंकि हमने स्वॉर्ड डांस किया था, मैंने बोला ना यार स्वॉर्ड डांस काफ़ी मस्त मूव है, बट सार्लेज काफ़ी ख़तरनाक वो गन है। सार्लेज का जो नेचर है ना वो है अटैक माइनस का, अगर इसका अटैक प्लस होता तभी ये कितना ख़तरनाक होता, जब अटैक माइनस में इतना ख़तरनाक है भाई। मेरे को ज़्यादा पोकेमन का यूज़ करना ही नहीं पड़ा ब्रो, ये तो हमने तुरंत में कर दिया होंगे। वाह हा हा, आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज ऑन यू रीका, प्रीटी श्योर मी इज टेकिंग रिवेंज फॉर मी, बिल्कुल हेट टू से बट यू लूज बोबे। ये हार गई बेचारी बच्ची, अब रोएगी। अरे अले 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 ले, इट्स योर टर्न मिस्टर लैरी। लैरी लैरी, अरे ये तो वही है, इससे तो हम लड़े थे भाई, तुमको याद है? इसी का तो सबसे बेस्ट था वो लाइक जिम वाला क्वेस्ट, बट सीरियसली ये भी है? उसने बोला था कि वो पार्ट टाइम जॉब पे वहाँ पे है, बट मेरे को ऐसा नहीं लगा था। हेलो देयर, मैं हूँ लैरी। इट्स लिटिल बिट शॉकिंग यार, मैं इसे ऑलरेडी लड़ चुका हूँ एक बार, बट द थिंग इज कि मैं ये भूल भी चुका हूँ कि इसकी टाइपिंग क्या थी। अरे यार मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा यार, ये लैरी का क्या थी इसकी टाइपिंग यार, मैं सीरियसली भूल चुका हूँ। चलो मैं किलो बॉटल के साथ ही जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को याद ही नहीं है यार। आई सर्व एज अ मेंबर ऑफ इलाइट फॉर 2 ईयर्स, अनफॉर्चुनेटली फॉर मे एट माई जिम आई यूज टू बी नॉर्मल टाइप। अच्छा, सिंस आई फील दे हैव अ लॉट इन कॉमन विथ मी, बट वेल द बॉस टोल्ड मी टू यूज अ डिफरेंट टाइप हेयर, सो इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट्स प्लीज टेक देम अप विथ ला प्राइमर, ला प्राइमर ओके। तो मेरे ख्याल से डार्क टाइप का यूज़ करेगा क्योंकि ऑलरेडी डार्क टाइप जिम कोई नहीं था, और इसका सूट वगैरह देख के मेरे को लग रहा है कि ये डार्क टाइप यूज़र होगा मे बी, शायद से ऑफकोर्स वही स्टाइल इलाइट फॉर लैरी। ट्रॉपीज ग्रास टाइपिंग है इसकी, ग्रास या फिर फ्लाइंग है ये बोलो। चलो तो यहाँ पे एयर कटर मेरा सुपर इफेक्टिव दिखा रहा है ऑफकोर्स, तो मैं इस पर एयर कटर तो कर ही सकता हूँ, तब तो हम इसको तुरंत में हरा देंगे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक तो बीटर ब्लेड मेरे पास सपोर्ट के लिए है ही। सनी डे, हाँ इसने सनी डे किया, सोलर बीम अभी एक बार में लगेगा मेरे को, पता चल गया मेरे को कि ये चीज़ हो गई। ऑफकोर्स दैट वॉज अ क्रिटिकल हिट, एयर स्लैश एयर कटर या फिर एयर स्लैश दोनों का ही क्रिटिकल हिट रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है। चलो नेक्स्ट पोकेमन इज अल्टारिया। अल्टारिया एक फ्लाइंग एंड ड्रैगन टाइप पोकेमन है ना, मेरे पास एक आज टाइप पोकेमन है, आ जा बे, तेरे को तब से बचा के रखा है, इसको मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया अभी तक लिटरली, बस नॉर्मल बैटल्स में किया है, मेन बैटल्स में एक बार भी नहीं। बैक्स कैलिवर, आ जा ब्रो, एक सूडो लेजेंडरी है, अपना कमाल दिखा जाओ, अब नहीं दिखाएगा तो कब दिखाएगा। अच्छा मैंने इलाइट फोर में तभी यूज़ किया ही था ना ये चीज़, तो मैं भूल गया। चल मैं आइस वाला हूँ, ड्रैगन पल्स नहीं, मूव तो मेरे पास सुपर इफेक्टिव होगा क्योंकि मैं भी ड्रैगन टाइप हूँ, ये तो मैं भूल ही गया था, बट चलो वो तो गया कम से कम। ऐसे में अपना ड्रैगन वाला मूव करने वाला था जिसका 120 डैमेज है, बट ठीक है। नेक्स्ट पोकेमन इसका स्टार रैप्टर है, मैं चेंज कर भी सकता हूँ नहीं भी कर सकता हूँ, बट आई गेस मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार और इसको हराते हैं इसी से। वहाँ पे एक नॉर्मल टाइप था और स्टार रैप्टर उसका मेन पोकेमन, क्लोज कॉम्बैट नो। अरे मैंने बोला था ना, मैंने उस टाइम तुमको बोला था कि इसके पास क्लोज कॉम्बैट हो सकता है क्योंकि ऑफकोर्स उसके पास एक फाइटिंग टाइप मूव रहता है, मेरे को याद है ना, ये सीख सकता है एक,
बट क्लोज कॉम्बैट में वो हाथों से मारता है, अच्छा पंख से मारता होगा। चलो जो भी है, वो किलो बॉटल में स्विच आउट कर लेना चाहिए था यार। मेरे को लगा पिछली बार नहीं था तो इस बार भी नहीं ही होगा, बट इतना भी आसान नहीं है ये। ओके डिस्चार्ज, लेट्स यूज इट। एक बार में चला गया। यहाँ पे किलो बॉटल का यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि हमारे पास रूस्ट है, तो ये लॉन्ग टर्म तक चल सकता है, हमारा साथ निभा सकता है अभी के लिए। और ये कोरियो हमारा नेक्स्ट पोकेमन है और काफ़ी अच्छा पोकेमन है, एक फायर एंड फ्लाइंग टाइप है आई गेस। और कोरियो उसका कोई दूसरा है? मैंने जो पकड़ा था वो तो भाई रेड कलर का था। अच्छा हाँ, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि ऐसे चार पोकेमन्स आते हैं और चारों के कलर अलग अलग है। मेरे पे इलेक्ट्रिक टाइप यूज़ नहीं होगा ब्रो। वोल्ट एब्जॉर्ब मिली एबिलिटी है ना, मस्त। चलो येलो कलर देख के मेरे को लग नहीं रहा था कि वो इलेक्ट्रिक टाइप यूज़र होगा, इलेक्ट्रिक एंड फ्लाइंग टाइप यूज़र, बट ठीक है। फ्लिगमिंगो नेक्स्ट पोकेमन है, वो चेंज करने की फिर भी ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ, स्ट्रॉन्ग हूँ मैं, दिल जीत लिया है मैंने तुम्हारा साथ से। चलो सही है। ओके एक वाटर एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमन, आई गेस आई एम गोना यूज़ दिस चार्ज। एट द रिस्क ऑफ मेसिंग अप माय सूट अ बिट, इट्स टाइम टू गेट सम स्ट्रेंथ, कभी ये बोला उसने। ठीक है, ट्रस्लाइज कर रही है आई गेस, ये फ्लाइंग टाइप बनेगा ट्रस्लाइज वाला, गुब्बारे लग जाते हैं सर पे। तुमने फ्लाइंग वाला ट्रस्लाइज पिकाचू तो देखा ही होगा, जिसको मैंने किया नहीं था बट मैंने वहाँ पे देखा था प्री ऑर्डर करते सब ना। बट ये लो, ओ थोड़ा सा बच गया उसका, चिड़ेगा ये तो। आई एडवाइस टू स्टे योर टू ऑन योर टोज, ताकि तुम ऊँचा उड़ सको, ब्रेव बर्ड। चलो मेरे को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो मैं इलेक्ट्रिक टाइप भी हूँ ना, नॉट वेरी इफेक्टिव ऑफ कोर्स मैन, क्यों पड़ेगा मेरे को। और हिट रिक्वायर हुआ तो वो खुद ही हार जाएगा। ओह जीत चुके हैं हम, तीसरा इलाइट फोर था ये, हमको ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा भाई, तुरंत तुरंत में यहाँ हार रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है रोहित, नो वंडर ला प्राइमरा लाइक्स यू। बिल्कुल भैया, आई गेस सबसे लास्ट वाला जो होगा वो वही होगा येलो हेयर, उसका नाम मैं भूल चुका हूँ, आर्ट टीचर आई गेस। डोंट थिंक ही हर यू लैरी, कम सुनता है क्या ब्रो, कम ऑन इन हैसल हैसल। लैरी यू मे नो नीड टू स्पीक, अच्छा ये बंदा थोड़ा साई टाइप का है, इस ये थोड़ा तेजी में बोल नहीं सकता। आई मीन हैसल, व्हाट द हेल, ये देखो ये देखो, ऐसे बोला जाता है ना, सीखो कुछ कैसे बोला जाता है उससे, बोलने नहीं आता उस बच्चे को। अंकल जी बट फॉर यू लैरी, आई सी यू मेड रीका डू द शाउटिंग अगेन। मतलब ये चीज़ पहले भी हो चुकी है भाई, ये बंदा जोर से बोल ही नहीं पाता, अब से माइक्रोफोन ले आया करो ब्रो, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। कोई माइक्रोफोन वाला पोकेमन नहीं है, क्योंकि तुम जो बोलो उसको जोर से दोहराए वो। ठीक है, मजाक काफ़ी होगा, मैं एक बार जल्दी से हील कर लूँ अपने पोकेमन। लेट्स सेव द गेम, और ये टाइम होता है हमको वहाँ पे जाने का। मेरे ख्याल से डार्क टाइप हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई जिम नहीं मिला डार्क टाइप वाला। अदरवाइज कौन सी टाइपिंग और बची गई है, वाटर वाली तो हो ही गया था ब्रो। बट नाउ एज टीचर्स ड्यूटी इज टू गाइड स्टूडेंट एंड एड देयर ग्रोथ, बट आई थिंक आई शैल फॉरगेट अबाउट माई रोल एज अ टीचर फॉर अ मोमेंट। हाँ हाँ, एंड वाइल ऑल माई माइट ऑफ फॉर द सोलो पर्पज ऑफ डिफीटिंग यू, आई एम हैसल द ड्रैगन वाला नहीं था, अच्छा अच्छा दैट्स अ प्रॉब्लम, ड्रैगन टाइप यूजर है। चलो कोई बात नहीं, ड्रैगन के लिए मेरे पास दो दो पोकेमॉन से काफ़ी अच्छे खासे। पहले इसके पास नॉई वर्ड है, मेरा ही फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन आएगा यार, दिक्कत है। मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं कर भी सकता हूँ, बट एक पे तो ड्रैगन टाइप मूव सुपर इफेक्टिव है और दूसरे को मैं इतना करना ही चाहता जल्दी ही, तो मैं डिस्चार्ज करूँगा सबसे पहले। अच्छा मेरे को एक चीज़ पता चली, मेरे ख्याल से क्या सुपर फैंक से तुम्हारा पहले बार में आधा एच पी जाता है। टेरा ब्लास्ट का जो डैमेज है वो लाइक, अगर तुम ट्रस्लाइज करोगे तब वो एक्टिव होगा टेरा ब्लास्ट, तुम समझ रहे हो, अगर तुम ट्रस्लाइज नहीं करोगे तब उसका पावर 80-80 रहेगा। क्या ऐसी वाली चीज़ थी ट्रस्लाइज वो टेरा ब्लास्ट के साथ, हेक्सरस। ओके लेट मी स्विच माय पोकेमन, आई गेस मैं पैक्स कैलिबर को लाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा अभी के लिए, अपना जो लास्ट वाला चीज़ है उसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसको मैं नहीं लाता अभी के लिए। चलो पैक्स कैलिबर मॉल्ट ब्रेकर, लेट मी यूज आइस क्रैशियल। इसकी टेरा टाइपिंग क्या थी ब्रो, इसको ट्रस्लाइज भी कर सकता था बट चलो कोई बात नहीं। आइशियल क्रश, ये लो, नॉइस एक बार में चला गया।
लग तो रहा था मेरे को ऐसा ही होगा, बट मेरे को इतना नहीं पता कि मेरी पुकमन की टेरा टाइपिंग क्या है। कितना अच्छा ट्रेनर रूम है भाई। स्विच पोकेमन एक बार करके मैं देखूँ क्या मैं देख सकता हूँ। टेरा टाइपिंग ड्रैगन है, अच्छा तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। मैं माउस क्रेडा को लाना चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी इसके पास एक फेरी टाइप मूव है, फ्लैपल फ्लाइंग टाइप। अच्छा ग्रास भी आएगा इसके साथ में ही। पहले तो मैं ये करूँ रफ प्ले, दैट वॉज सुपर इफेक्टिव। ऑफकोर्स होगा ड्रैगन रश। ओ माई बारी, ये तो दिक्कत था, काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ गया मेरे को, इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट ये ले भाई, रफ प्ले नॉइस। एक ग्रास ड्रैगन पोकेमन, अच्छा था वो भी। लीफ स्टॉर्म सीखना चाहता है। 130 का डैमेज, 90 की एक्यूरेसी, बट द थिंग इज कि वो एक ऐसा अटैक है तो मेरे को रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी के लिए चेंज नहीं कर रहा, देखते हैं। ड्रैगल गल, ओके एक वाटर एंड ड्रैगन टाइप पोकेमन आई गेस। रफ प्ले, दोनों तरफ से मेरा ही फायदा है। ओ नो, ओके पॉइजन पॉइंट, वो एक पॉइजन टाइप भी पोकेमन है, ये नहीं पता था मेरे को। स्लज बॉम्ब, ये तो गया भाई। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पॉइजन पॉइंट एबिलिटी है तो पक्का ये पॉइजन टाइप पोकेमन है भी है, इसलिए उस पर फेरी टाइप उतना इफेक्टिव नहीं था। बट अगर वो पॉइजन टाइप पोकेमन है तो आई गेस मेरा गार्गेंकल ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइजन वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता, इसकी एबिलिटी ये है। और मैं अर्थ क्विक करके हाइड्रो पम्प आता इसको, मैं भूल गया वाटर टाइप का दिख रहा है, तो वाटर टाइप मूव्स भी इसके पास हो सकते हैं। बट अर्थक्वेक टाइपिंग नहीं होगी इसकी साथ से। हाँ मैंने बोला ना कि ये वाटर टाइप मूव भले ही कर सकता है, बट ये वाटर टाइप का पोकेमन नहीं है। नेक्स्ट पोकेमन कौन सा है इसका भाई? बैक्सकैलिबर। ओ माय गॉड, ओके एक आइस एंड ड्रैगन टाइप पोकेमन जो कि बाद में ड्रैगन टाइप पोकेमन बन जाएगा। आई गेस मैं सार्लेज को अपना लाना चाहूँगा, जस्ट बिकॉज कि वो आइस टाइप है इसलिए नहीं। मेरे पास एक ड्रैगन क्लॉ है अगर तुमको याद हो, अगर मैं एक बार स्वॉट डांस कर लूँ तो मैं उसको हरा सकता हूँ, और ये बढ़िया चीज़ रहेगी मेरे ख्याल से। ओनली अ लिटिल मोर अंटिल यू पास, डोंट लेट अप। उसके पास एक सिग्नेचर मूव भी है, आई डोंट थिंक कि वो यूज़ करने वाला है उसको, बट मैं स्वॉट डांस करने जा रहा हूँ। ओह कम ऑन, ओ ग्रेट ड्रैगन, ओ ग्रेट ड्रैगन। ओके चलो, ट्रस्टलाइजेशन ब्रो। इसका मैंने खुद ट्रस्टलाइज नहीं किया अपने पोकेमन को, और ठीक है इसका मेरे को आइस वाला ट्रस्टलाइज फॉर्म मिल जाता ना तो मज़ा ही आ जाता। बट प्राइमरी इसकी ड्रैगन टाइपिंग है तो सारे ज़्यादातर ड्रैगन ही मिलते हैं नॉर्मल। मेरा स्पीड ज़्यादा है ऑलरेडी, उसका स्पीड काफ़ी कम है यार, 54 के करीब होगा अभी, 60 लेवल के करीब है। तो नो पॉइंट इन लेटिंग दिस ड्रैगन, वी होल्ड द पावर टू फिल्म एवरीथिंग। हाँ नहीं, 120 डैमेज वाला मूव कर रही है। ओ शिट, ओके आई हैव अ चांस नाउ। कोई बात नहीं, सार्लेज तूने काफ़ी अच्छा काम किया। अगर तुमको नहीं पता तो ये एक ऐसा मूव है जो कि करने के बाद मैं जो मूव करूँगा ना उसका उस पर डबल असर होगा। तुम देखो अबे, मैं अपना करने वाला हूँ। अरे व्हाट द हेल, नो भाई ऐसे ही तो था वो, क्या लिखा हुआ था उसके डिस्क्रिप्शन में, इस मूव के डिस्क्रिप्शन में। आई मीन उसको डबल डैमेज पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि वो हार जाएगा। दिस इज टफ मैन, बट ठीक है कोई बात नहीं, हम संभाल सकते हैं इसको भी। इसका स्पीड कम है तो वो वाली चीज़ तो हम कर ही सकते हैं एट लास्ट। बट उससे पहले आई गेस आई एम गोना यूज, सो शिट। अरे यार यही तो एक प्रॉब्लम है यार, ये मूव एक प्रॉब्लम है। कैल्विस रश, चलो कोई बात नहीं, बट आई गेस मैं अभी कर सकता हूँ क्लोज कॉम्बैट। ऑलरेडी इसका 120 डैमेज। कैल्विस रश अगेन, ये लगातार भी कर सकता है इसको। नहीं, ओह माय गॉश, ओके हमारा डिफेंस फेल हो गया, कोई बात नहीं। बट मेरा उसका स्पीड कैसे ज़्यादा हो गया ब्रो मेरे से? आई गेस हम गोना यूज़ अ रिवाइव मैन। मेरे को वैसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे भी उसको साथ से खराब ही सकता हूँ, बट रिस्क मैं नहीं लेना चाहता। ये लाइट 4 है ब्रो, हारूंगा तो मैं फिर से बहुत पीछे चला जाऊँगा। गैल्विस रश भाई, ये बहुत खतरनाक मूव है यार। अभी किस पे भरोसा किया चाहे ब्रो? मैं चाहूँ तो मैं दोनों पे भरोसा कर सकता हूँ, बट म्याउस क्रेडा अपना पोकेमन है यार, इतना पता है, ये अपना पोकेमन है, ये जिता देगा मेरे को। लेट्स यूज रफ प्ले, ऑफ कोर्स मैन। म्याउस क्रेडा से मैं इतना तो उम्मीद कर ही सकता था यार, बट वो फ्लाइंग वाला पोकेमन भी इसको हरा सकता था क्योंकि उसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा था। द थिंग वॉज दैट कि वो एक आइस एंड ड्रैगन उसका पिछला वाला टाइपिंग था, तो उसके पास आइस टाइप मूव ऑफकोर्स होते ही होते हैं, और वो फ्लाइंग तो उस पर तो दिक्कत था यह चीज़, तो इसके कारण से मैंने वो रिस्क नहीं लिया। म्याउस क्रेडा का तो स्पीड बहुत भी ज़्यादा है और ऐसे अटैक भी, और इसके पास एक सुपर इफेक्टिव मूव भी था। यू रियली डिड इट,
अभी जस्ट प्राउड अभी ये बोल कुछ नहीं पा रहा। आओ डोंट क्राई ग्रैंडपा। हाँ देख के तो थोड़ा यंग लग रहा था वैसे, बट ठीक है ग्रैंडपा बोल सकते हो तुम। सॉरी अबाउट ऑल दिस आइला, द ओल्ड मैन कैन गेट लाइक दिस सम सो व्हाट। चलो गाइस आई हैव गॉट टू डू द टॉकिंग। हमारा रिजल्ट ये बारे में एज अ पास नो डाउट अबाउट इट। ये यू आर टफर देन स्टील। यप यू डिड सो ब्यूटीफुली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई डिड से यू आर गुड टू गो, बट दिस एक्चुअली जस्ट अ वी बिट मोर टू द चैम्पियन असाइनमेंट। दिस विल बी योर फाइनल ट्रायल। अच्छा मेरे को याद है, सी द डोर बैक देयर, आवर फियरलेस कमांडर, द फाइनल अपोनेंट यू विल फेस फॉर दैट फॉर योर टेस्ट इज वेटिंग बियॉन्ड। हर स्किल्स आर सो अमेजिंग, सी विल बी एबल टू A strong arm all of us into joining the Elite Four. Though I think you will be fine, kiddo. You beat me all after all. I will patch your team on the house. Oh, thank you very much. मैं यही तो सोच रहा था कि मेरे को healing मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो champion से लड़ने से पहले। I really love your pokerness. So I will cheer for you as hard as I can. मतलब मेरे states बढ़ जाएंगे अगर ये cheer करेंगे। Well, good. Even a baby dragon can breathe fire. वो गेस यू कॉट योर सॉप सर, यू कैन डू दिस, वी ऑल नो यू कैन। बिल्कुल हम कर सकते हैं ये चीज़ बॉयज। सबको हम पे भरोसा है और हमको इस भरोसे को तोड़ना नहीं है। हम भरोसेमंद आदमी हैं यार। बिल्कुल। बट आई गेस आज के एपिसोड के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जाके उस चैंपियन को हराएंगे। और इस पिक्चर को देख के लग रहा है मेरे को चैंपियन निमोना होने वाली है शायद से। बट आज के एपिसोड देख के मजा आया, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड यहाँ तक देखने के लिए अरे गा तो।